हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम ये वाला ट्रॉली बैग देखने वाले हैं। स्काई बैग्स की ओर से आता है, जिसे स्काई बैग ट्रूपर कहा जाता है। 55 सेंटीमीटर्स के साइज में है। इसमें और भी साइज आते हैं, बट मैंने सबसे छोटा वाला मंगाया है। और ये देखो, ये ऐसी पैकेजिंग में आया है क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। ये मुझे 2400 रुपये का पड़ा है। इसका प्राइस नॉर्मली 2800 या 600 के आसपास ही चलता रहता है। MRP दी गई है 6499, कुछ आगे आपको बता दूंगा अच्छे से, बट यही प्राइस इसका चलता रहता है। और ये देखो, ये सारी इसकी डिटेल्स है। देखो, MRP मैंने कहा था 6499, बट इसका प्राइस 3000 के अंदर ही चलता रहता है। सबसे छोटा है और जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे प्राइस बढ़ता है। इसमें दो तीन बड़े साइजेस और आते हैं। ये देखो, किसी और के पास डिलीवर हुआ था, उन्होंने टैग वगैरह सब कुछ काट के ऐसे दे दिया। देखो, ये रही सेम डिटेल जो स्टिकर पे थी, सेम इसके ऊपर भी है। और इसके ऊपर एक साल की वारंटी आती है। और जो मैंने सफारी का बैग लिया था वो भी सेम साइज़ में है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। उसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 2000 के आसपास ही चलता है, लेकिन उसके ऊपर 5 साल की इंटरनेशनल वारंटी है और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 साल की इंटरनेशनल वारंटी है। स्काई बैग्स, ये देखो लिखा हुआ है। प्रिंट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, एकदम आई कैची लुक आता है दोस्तों। ये देखो, ये कैसे फोल्ड हुआ हुआ है, पता नहीं क्यों, जो ऐसे नहीं होना चाहिए था फिर भी ऐसे हुआ हुआ है। और इसकी जो फ्लिम है वो निकल रही है थोड़ी थोड़ी, मैं पूरी निकाल देता हूँ। बट उसके पहले ये देखो, ये किसी ने यूज़ करके भेजा है। ऐसा लगता है किसी ने इसके ऊपर एक सिंगल ट्रिप मारा हुआ है और वो सिंगल ट्रिप मार के किसी ने इसको रिटर्न कर दिया है। लग तो फुल ऑन ऐसा ही रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। अभी मैं इसकी फ्लिम निकाल देता हूँ, जो यूज़ करने से पहले आपको निकालनी चाहिए। और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि किसी ने यूज़ किया, क्योंकि थोड़े थोड़े स्क्रैचेस इसकी फ्लिम पर भी है। मतलब स्क्रैचेस मतलब घसा हुआ रहता है वैसा। चलो कोई बात नहीं, कहीं से भी कोई भी ब्रेकेज वगैरह नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ा सा गंदा है, वो तो साफ़ हो जाएगा। मैंने पूरी फ्लिम निकाल दी। अब हम बैग को देख लेते हैं एकदम आराम से और अच्छे से। बहुत ही ज़्यादा मस्त कॉम्बिनेशन में है दोस्तों ये बैग का कलर लुक एकदम फैंटास्टिक है। वजन में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, हल्का है। 2 किलो 360 ग्राम इसमें मेंशन किया गया है कलर। और साइज़ में तो आप देख ही सकते हो, सबसे छोटा कैबिन लगेज है, एक उंगली से मैं उठा सकता हूँ। बहुत ज़्यादा हल्का है, लाइट वेट है दोस्तों ये लगेज। बट 1 साल की वारंटी ना जस्टिफाई नहीं करती, सच बताऊँ तो। ये देखो इसका हैंडल, ये इसके हैंडल की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा स्मूद है। थोड़ा सा प्ले है बट वो हर हैंडल में होता है, हर लगेज के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फंक्शनिंग भी काफ़ी स्मूद लग रही है दोस्तों इसके हैंडल की। अंदर कुछ स्प्रिंग जैसा है वो इसको होल्ड करके रखता है। आप कहीं भी इस बैग को लेके जाओ, लोग एक नज़र पलट के तो देखेंगे ही, आई एम श्योर। और ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बैग्स में से एक आता है अमेज़ॉन के। और इसमें नॉर्मल वाला लॉक दिया है, TSA अप्रूव्ड लॉक नहीं दिया है दोस्तों। केस अगर ये वाला लॉक आपसे लॉक हो जाए तो मैंने इसको अनलॉक कैसे करना है उस पर भी वीडियो बनाया, वो भी चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और चेन की क्वालिटी भी ठीक ठाक लग रही है दोस्तों, कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी मुझे ऐसे देखने जाऊँ तो। चलो अब अंदर से आप लोगों को खोल के बता देता हूँ दोस्तों। वैसे ये सारे कैबिन लगेजेस ना एक ही जैसे होते हैं, अंदर से कुछ दिखाने लायक होता नहीं, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखो, अंदर अपने को ये सारी चीज़ें मिल जाती है। इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, लॉक को कैसे सेट करना है वगैरह वगैरह बताया है, आप पॉज करके रीड कर सकते हो। और इस पर लिखा है 3 ईयर्स की इंटरनेशनल वारंटी, बट हमको तो 1 साल की वारंटी बता रहा है, पता नहीं अब क्या सीन है। और सिलिका पाउच था। और ये देखो, ये ऐसे खुलता है बंद होता है, जैसे क्रॉस वाला सीन है ना वो वाला, वैसे बंद होता है। उप्स, लग गया यार थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, जाने दो, इग्नोर करो इसको, इसको मैं कट करने वाला था बट नहीं किया। और ये देखो, अंदर कुछ इतनी जगह मिल जाती है। और ये देखो, पीछे का खुलता भी है, इन केस अगर ट्रॉली में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसे फट से रिपेयर करा सकते हो और खुद ही डायग्नोस कर सकते हो क्या प्रॉब्लम है। ये देखो, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। मैं पहली बार किसी बैग को ऐसे खोल के देख रहा हूँ, जनरली नॉर्मली मैं कभी खोलता नहीं हूँ। अभी खोला, मस्त चेन दी गई है, तो ये रिपेयर करने वाले के लिए भी इजी हो जाता है और अपने बैग की फिनिशिंग भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि फाड़ते वाड़ते नहीं है कहीं से भी फैब्रिक को। इसका फैब्रिक की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा मोटी लगी, मतलब चलने वाला फैब्रिक लगा सच बताऊँ तो। और ये इनसाइड का कंपार्टमेंट है इसका, इसके अंदर वो टैग नहीं दिया है, मतलब वो रस्सी देते हैं ना, वो जो दूसरे साइड पे था वो नहीं दिया है, पता नहीं क्यों, वो देना ही चाहिए था।
तो उससे क्या कपड़े आराम से पकड़ के रहते हैं। अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी जगह दी गई है, बिल्ड क्वालिटी मुझे अंदर से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है, फैब्रिक मोटा है तो ज़्यादा चलेगा भी, और चेन की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एक बार छोटी सी टेस्टिंग चेन की भी हो जानी चाहिए, क्योंकि हम इतना स्पेंड कर रहे हैं तो हमें वो वापस भी मिलना चाहिए। चेन तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, अभी थोड़ी सी अटक रही है क्योंकि नई है और अंदर पूरा खाली है, जब थोड़ा भरा हुआ होगा ना तो खुलने में आसानी होती है। चेन की क्वालिटी भी दोस्तों बढ़िया ही है। देखो मैं ये वाले टैग की बात कर रहा था, ये जो है ना बंद करने वाला, वो दूसरे साइड पे नहीं दिया है, देना चाहिए था, जबकि वो भी ज़रूरी है ताकि वो कपड़ों को अच्छे से होल्ड करके रखे। अब इसकी आउटर चेन की भी हम थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेते हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है चेन, देखो एकदम बटर स्मूथ है चेन, बहुत बढ़िया है दोस्तों चेन, चेन की क्वालिटी एक नंबर दी गई है। बट जो वो मेटल वाला ये चेन जिससे घूमता है ना, उसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी लो लगी, बट डिसेंट कहूँगा। अभी तो देखो मैं इतना रफ यूज़ कर रहा हूँ, बट स्टिल कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है दोस्तों चेन, ऐसी ही चेन होनी चाहिए। और जो अभी के बैग्स आ रहे हैं ना, उनकी चेन लॉन्ग टाइम तक स्मूथ रहती है, उन पर कुछ भी ऑयल या फिर वैक्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शायद से प्लास्टिक हो गई है इसके लिए, पहले शायद मेटल की आती थी इसके लिए, अब पता नहीं एग्जैक्टली क्या सीन है। बट हाँ अभी की चेन्स बहुत अच्छी चलती है। ये देखो कुछ ये ऐसे लॉक हो जाएगा, और ये लॉक हो जाए तो भी टेंशन मत लेना, मैंने अनलॉक कैसे करता है उसके ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है, 2 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए उस वीडियो पे। ये देखो दिखने में कुछ ऐसा दिखता है ये लगेज, एकदम फैंटास्टिक है। पीछे की मैंने इसकी फ़िल्म निकाल दी और आगे की रखी है, आगे की जब निकलेगी तब मैं निकालूंगा। और यहाँ पे ये दिए ताकि स्क्रैचेस ना आए आपके बैग के ऊपर, पीछे ज़्यादा टच होता है ना, पीछे के साइड अपन रखते हैं। और ये इसके व्हील्स की क्वालिटी है, व्हील्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, 360 डिग्री घूमता है फुल ऑन, और बहुत स्मूथ और अच्छी क्वालिटी के व्हील्स दिए हैं। 360 डिग्री घूमता है तो मतलब अपन कोई भी एंगल में उसको आराम से इजीली घुमा सकते हैं, देखो कितने स्मूथ और फ्री है। एंड आई जस्ट होप ये सालों साल ऐसे ही रहे, इसके ऊपर 1 साल की वारंटी दी गई है और मैनुअल पे लिखा है 3 साल की, वो कैसे जस्टिफाई कर रहा है मुझे समझ नहीं आया, अब क्या सीन है एग्जैक्टली। तो ये देखो ये रहा, इसके हैंडल की क्वालिटी भी बढ़िया ही लगी दोस्तों। तो दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी हो मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं आप लोगों को जल्द से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप इस बैग को बाय करना चाहते हैं तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसमें अलग अलग साइज़ भी आते हैं, वो भी चेकआउट कर लेना दोस्तों, और साइज़ मेजर करके ही मंगाना। ये वाला मैंने कैबिन लगेज लिया है दोस्तों मैं और भी कई सारे लगेज बैग के ना लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार वो भी चेकआउट कर लेना, शायद आपको और सस्ती और अच्छी डील मिल जाए। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। चलो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।